नित्य आनंदम नित्य आनंदम मैं माँ ईश प्रिया और मैं श्री ईश प्रिया और हम दोनों यहाँ आपसे नित्यानंदा पीठम से बात कर रहे हैं। नित्यानंदा पीठम बेंगलुरु में पाया जाता है और यहाँ श्री परम पावन श्री नित्यानंद स्वामी जी का आदिनम है। आदिनम एक ऐसी जगह है जहाँ आपको यहाँ का मंदिर मिलेगा, गुरुकुल, गौशाला और संन्यास संप्रदाय और गृहस्था सब आपस में एक आध्यात्मिक कम्युनिटी जिसे कहते हैं, आध्यात्मिक सोसाइटी जहाँ पर हम यहाँ ऐसे रहते हैं। तो गत बार हम छवि इमेजेस के बारे में बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति स्वयं कैसे अपने जीवन में अनेक प्रकार की छवि बनाता है। तो मुख्यतः चार प्रकार की छवियां हैं इमेजेस, जैसे कि इनर इमेज भीतरी छवि, आउटर इमेज बाहरी छवि, अदर इमेज अन्य छवि और लाइफ इमेज मीन जीवन को हम कैसे देखते हैं। ओके, तो इनर इमेज के बारे में हमने गत बार बात की थी कि आप अपने बारे में स्वयं क्या सोचते हो और आज हम बाहरी इमेज के बारे में बात करेंगे, आउटर इमेज। तो आउटर इमेज क्या है कि जैसे कि अंदर में मैं सोचती हूँ नहीं नहीं मुझे ये करना नहीं आता, मैं कायर हूँ, मुझे ये नहीं करना आता, लेकिन मैं लोगों को मेरी ये जो दुर्बलता है दैट वीक पॉइंट ये दिखाना नहीं चाहती। तो क्या करती हूँ मैं अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करती हूँ आउटसाइड लोगों को दिखाने के लिए, मैं दर्शाती हूँ कि मुझे ये काम करना आता है। नो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आई नो हाउ टू डू इट। तो ये होता है मेरा बाहरी छवि। तो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। हम अपने जीवन में अनेक बार ऐसा यूज करते हैं पर इसका एक इस ऐसा अगर हम अपने जीवन को ले जाएंगे ये हमारे जीवन में खुद बहुत सी परेशानी लाता है क्योंकि हम अपने आप क्लियर नहीं है, हमें इतनी सी समझ नहीं है कि हम जैसा हैं ऐसा ही हमें रहना चाहिए, हम खुद कंफ्यूजन कन्फ्लिक्ट करते हैं जी। और अब जब भी ये अपने आउटर इमेज प्रोजेक्ट करते हैं कुछ आप दिखेंगे नहीं पर लोग समझ जाते हैं कि आप कि कोई अलाइनमेंट नहीं है, कहीं कि कोई ऐसी बात है जो पक्का नहीं है, फेक है और जी। और ऐसे करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा और दूसरों को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो जीवन को जैसा है वैसा रहना है, वैसा ही आप जीवन बिताइए। आप जैसे हो, आपके वीक पॉइंट भी बाहर आ रहे हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अपनी दुर्बलता से भी आप सीखोगे, लोग आपकी सहायता के लिए आएंगे एंड आपको लिफ्ट अप करेंगे। हमें नहीं सोचना है कि अगर मुझे कोई चीज नहीं आता तो मुझे उसे छुपाना है, छुपाने से कुछ नहीं होता। अगर आप सही मायने में उसको आगे बढ़ाएंगे लोग चाहेंगे कि आपकी सहायता करें और आपको कैसे और बढ़ावा मिले कि आप इस काम को सीखें और कर पाओ जी। जब ये सब कुछ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप झूठ बोलते भी हैं तो अपने अंदर की घबराहट तो इनर इमेज छुपाने के लिए आप झूठ बोलते हैं तो ठीक नहीं है और अब गिल्ट होते हैं, गिल्टी फील करते हैं। और जब आप अलोन होते हैं तो अकेले होते हैं तो डिप्रेस होते हैं जी। तो जैसे कहते हैं एक शरीर में एक ही दिमाग काफी है, एक शरीर में चार दिमाग नहीं चाहिए, चार छवि नहीं चाहिए। ये तब हो सकता है जब आप अपने आप को आप जैसे हो आप अपने आप में संतुष्ट हो, यू एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। तो एक्सेप्टेंस, ओन एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप
अपने आप से खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। आप खुश नहीं हैं तो यू विल वर्क फॉर इट, आप सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन आप अन्य मार्ग नहीं ढूंढेंगे कि कैसे उसको छुपाना है। नहीं, संतुष्टि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था आउटर इमेज के बारे में। हमारे अगले वीडियो में हम अन्य जो इमेज कहते हैं अजर्स इमेज, इसके बारे में और बात करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। नित्यानंदम।